बधाने राम राम। हूँ आवी गया तमारी उसमें मुकेश परमार। खबर लीन जेव रीते बात करें कि झाबुआ जिला में आदिवासी नो त्यौहार अलग अलग थाय, जेव रीते बात करें दिवाड़ी नो दन आज आनी पहला आज तीन हारू देशभर में अलग अलग जगह देशभर में दिवाड़ी नो उत्सव मनावे रहा। तो झाबुआ आदिवासी एक अलग परंपरा से जेव रीते वरहूँ थी डहा डहानू साली रही, तो हेवी रीते बात करें झाबुआ जिला राणापुर सुही गाँव में जो डूंगर से तुम पूछाड़ी बता रही डूंगर से बाबा देव नो आ डूंगर पर पाटो गगड़ावे अने की पाटो गगड़ावे आवड़ा नवरा में केवी रीतनी फसल पाखे पानी केव रीतन आए इना बारा में हतु हकून पारखे अने की भविष्यवाणी हती थाय। हमारी हाथ आना जे मेन तड़वी से बाबा सबसे पहले हूँ नाम तुम्हारो कालू से आज बाबा देवे पाटो गगड़ायो ई पूजा विधि हानी हारू करत हूँ ये बारे बारे पानी बरसात नहीं से कोई गम्मे अनधन मधुमानी केम कि बारह महीना में हमारा डहा डहा करता आया करी रहा कि हकून पारो खाए इतनी पब्लिक भेड़ी थाय कि हाँ बाबा देव ना पाटो केव रीते सड़ा उतरे जा बद सड़ा वाला हमू उतारा वाला भी हमू सब काम करवा वाला हमू से इतने हम नौ बरस जोरदार आ है पानी वधारे आवे कि धान भी अनशन पाकवानु केम के वाखड़ी सक नहीं लीमड़ो था हाँ वाखड़ी थी पहली डांडा में फिर यो लीमड़ो पैदा थयो अत्र हाँ रोकायो अत्र हाँ देखो पानी जोरदार आवे धन धन अन धन भी अनशन पाकवानु अने ऊपर पाडो बांधेलो तो पोदला थी सारे दिशा सारे दिशा सब उगम नो पहल फोटो पाड्यो फिर बाद में बुडम नो फिर सूरी नो फिर दखन नो चारे फोटो भी जोरदार ये सको ये बात में गलती नहीं आई गया जोरदार पिछले बार पहले नवराती बढ़िया हाँ बढ़िया आती आवेगा हाँ वाह वारा दर आवेगी। कल सिंह भाई परमार बोलू से देखो ये हमारा गांव चुई है हमारे इन्हें लिए परंपरा पे ये है कि हम साल भर से हमारा मतलब पुरानी हमारा बचपन से ये काम कर रहे थे अभी तक हम भी कर रहे और हाँ करता रहेगा लेकिन ये हमारा ये है कि सकून पारखने लिए हमें कम से कम 15-20 आदमी पकड़ने लिए जा रहे हैं वहाँ इन लिए वहाँ से पकड़ लाए हम तो सड़ाया तो पेशाब करा के फोटो करो के दौड़ के आया कि मोटो फाड़ दिया नहीं फाड़ दिया ये हमको सब सकून देखना पड़ता है फिर ऊपर सड़ाते ये बीच में जो इसे ना शेर आएगा इस शेर पे जाके पेशाब करेगा पोटा करेगा ये भी देखेंगे हम फिर जाके न थड़ में बांधेंगे वो थड़ ना हिसाब से सब दूर घूमे ऐसा बांधेंगे हम तो सब दूर फिरेगा पोटा कहाँ करेगा उगमना करेगा अथमना करेगा दखन में करेगा चूरी में करेगा ये सब देखेंगे फिर उसको भांगेगा कितना ये भी हम देखेंगे इन हिसाब से वर्ष बहुत अच्छा आएगा बरोबर। फिर ये पाड़ा नीचे उतार दिया इन लिए वाहन थी इसका वाहन की थड़ में लिमड़ा पैदास हुआ इनका ऊपर रह गया बहुत अच्छा बरसात पड़ गिरेगा माल ताल बहुत पाकेगा कोई माल ढोर मरे नहीं का इंसान कोई मरे कुछ नहीं होगा जे बोले बोल बस बस बोल दे तू ही बोले बस आपने तो बोल लिया हमारे से केम के हमारा गांव तू कितना वर तू देखवा वर तुम हर साल आवे रे हर साल टोटा फड़तेला तेरा हो ले खानी यार तुम बाड़वा पाटा देखवा हमारी हाथे आज पाटो देखवाया हम बढ़िया लगे जो आदिवासी परंपरा साली री मतलब पीढ़ियों थी साली री सदियों थी कि हकुन पर जो मौसम विभाग आपू कहीं मौसम विभाग ना हिसाब थी जो आदिवासी समाज में जो रीति से पाटो गगड़ावानी रीति हकुन पार के जैसे फसल केवी रीते पाके पानी केतरो पड़े कि नुकसान केतरो आवे माल ढोर केतरो में रहे जैसे इंसानों केतरी हानि आवे इन बारा में बदो हकून काटे ने तीन हारू पाटो गगड़ा केव आवे लगभग आना अनुभव थी बताड़ी राखी बढ़िया मस्त आवे जैसे मतलब माल खाल डूंगरी काला खेतर सब असली असली पाके जाए नुकसान ज़्यादा नहीं होता तो हेवी रीते बात करी कि सुई नो जो डूंगरो से जो आदिवासियों ना तो जो झाबुआ जिला ने था पूरा आसपास ना जो इलाका से अलीराजपुर से झाबुआ से थारना से पास में दाहोद गुजरात ना आ लोग इन्हीं हारू भाड़वा आवे ताकि अहानी आवाड़ा ने अवरा में केवी रीते फसल उत्पादन थाय केवी रीते धान पाकन कई रीतनु नुकसान नहीं था एवं रीतने इहूण वरा में जो हकून आयु त्यू आना जो तड़वी बताड़ू त्या किरा के आवड़ना वरा में असल हकून से आने असल फसल पाकवानी
चाहे वो डूंगरी वाली हो या काली जमीन हो भूरी जगह में बधी बराबर पाके पानी भी असल पड़े लेकिन लोगों ना मन में लगती लोग लीमड़ा पर आवीन रोकाई गयो पाटो जो गगड़ावी ने लेकिन है वो नहीं होती हाँ पहली वाहन होतेली वाहन ना माध्यम थी हाँ जो लीमड़ो हाँ पैदा था गयो तो कहने की पहला डहा डहानी कहावत होती कि पराथी ऊपर तो गगड़ावता हाँ आवीन रोकाई देने के असली पानी पड़वानो असल फसल लाए कोई भी नुकसान नहीं थाय सारो दिशा में एवं रीतनी बात आती वाय जहाँ मौसम विभाग देश भर में अलग अलग वैज्ञानिक ने माध्यम थी बताड़े कि हम मौसम विभाग ने आधार थी पानी पड़े लेकिन झाबवा ने आदिवासी मौसम विभाग ने भरोसा नहीं है तिहुनी एक पुरानी परंपरा ने आधारित जीवित से तो हेवी रीते ये परंपराएं इन्हें देखवा हजारों लोग आज उभा थाया आना तुम देखियो कितनी भीड़ तादाद में हमारा ड्रोन ने कैमरा ने जरिए भी तुम देखो कि केवी रीतनी ये भीड़ दिखाई रही तुम ये भीड़ इन्हीं हारू दिखाई कि आदिवासी संस्कृति एवं परंपरा जीवित राखवा ये आवा वाली पीढ़ी दर पीढ़ी करूँ एवं रीते भी आना लोगों कहवा तो हेवी रीते हूँ तुम्हारी उसमें मुकेश परमार खबर अन जानकारी लेने आतो रही काका बाब दान राम राम। देखिए आदिवासियों की ये बहुत पुरानी परंपरा है और लगातार साल दर साल इसमें विश्वास बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि जिस तरह से इस परंपरा में पूरे जो पाड़ा है उसको लुढ़काते हैं और फिर वो जिस दिशा में जाता है उस दिशा के हिसाब से ये निर्धारित करा जाता है कि कहाँ बारिश होगी कहाँ बारिश नहीं होगी और कब कब रुकेगी। तो ये परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है और इसमें हम आदिवासियों का बहुत ज़्यादा पुराना विश्वास है। आज भी आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी पहाड़ियाँ बड़ी भरी हुई थी पूरे जितने भी श्रद्धा रखते थे सब लोग आए थे। ये बाबा डूंगर का स्थान है यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है तो आज हमने भी यहाँ आकर उनसे आशीर्वाद लिया और इस परंपरा में शामिल हुए और इस परंपरा में जिस तरह से सब लोग साथ में आए उसका खूब आनंद लिया। देखिए चुनावी माहौल तो है पर ये चाहे चुनाव हो ना हो पर यहाँ भीड़ पक्की रहती है और बाबा डूंगर का आशीर्वाद है और निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है हमेशा और इस बार निश्चित तौर पर ऐतिहासिक जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपने क्या महसूस किया यहाँ आकर इन परंपराओं को देखकर के आने वाले पानी? देखिए शुरू में पानी थोड़ी बौछार होगी पर बीच में 10-20 दिन के लिए रुकेगा पर उसके बाद भरपूर पानी इस पूरे क्षेत्र में गिरेगा। आज बाबा देवनी पहाड़ी पर जैसे यहाँ की जो आदिवासी परंपरा स्वरूप जो सदियों से चली आ रही है जो जैसे मौसम ये मौसम विभाग मौसम तय करे कि नहीं ना हिसाब थी जो आदिवासी समाज जो झाबा की यहाँ की यहाँ परंपरा चलती है कि जैसे पानी कहना हिसाबती पड़े माल डूंगर कोतेड़ी खांगड़ी पाखे कि नहीं पाखे कितरो नुकसान था है इना बारा में अनुमान मतलब अनुमान लगाड़े तो ते परंपरा चालती आ रही सदियों थी ते आ पाडो जैसे आदिवासी भाषा में तिनन पाडो के पाडो माथु कापी नहना जो आदिवासी समाज तिनन गगड़ावे तिनो गगड़ावे फिर अनुमान लगाड़े कि कहाँ तक जाए कितरो रोका है कितरो पानी पड़ है कितरो फसल असली पाक है कितरो नुकसान था है इना मन थिया पाडो गगड़ावे ने लगभग इस साल ने आहने परंपरा ने जो पूर्व से जो करता आविरतिया बताड़े रहा कि लगभग कासला डूंग ये माल खेतर असली मतलब फसल और जोरदार पाके ज़्यादा इस साल जैसे नुकसान था इन से अब नुकसान नहीं था इनके वहाँ वीरस। हाँ थाना राणापुर के गांव चूही में आजीवन काल से मनाते आ रहे हैं जो गांव में बता रहे हैं कि पाड़ा वाड़ा का उसको बलि देते हैं और उसी दौरान यहाँ पब्लिक आसपास की परंपरा के हिसाब से देखने आती है और वो पुरानी जो इसी हिसाब से कि आने वाला साल कैसा रहेगा फसल कैसी रहेगी और पानी कैसे गिरेगा इसी बात के लिए आसपास के लोग आते हैं और उसी मान्यता के हिसाब से लोग आते हैं और उसी हिसाब से पुलिस की भी व्यवस्था बनाए रखना हमारा एक कर्तव्य रहता है इसीलिए पुलिस आई थी और व्यवस्था रखी है और कानून व्यवस्था में शांति पर रहा और खैरियत रही।